अरे सुनो, उठो, सुबह हो गई। सुबह हो गई, आओ, ऑफिस जाना है ना आपको। यार तो जरूर तो जाने दो प्लीज, नींद आ रही है बहुत। आज ऑफिस नहीं जाना आपको। टाइम क्या हो गया? ठीक चाय बन गई, मैं चाय लेके आ रही हूँ, आप उठ जाना तब तक। है। अरे उठे नहीं अभी तक, उठो जल्दी, चाय भी आ गई। देखो से मुझे ये लो चाय। चाय तो पी लो पहले, फोन बाद में देख लेना। हाँ यार थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ होगा और देखता हूँ यार। सुबह उठते उठते फोन देखने लगते हैं, ये नहीं कि मैं बैठी हूँ तो थोड़ी देर बातें कर ले, पता नहीं क्या होगा। बच्चों को भी उठाती हूँ, स्कूल जाना है। आरना आरना बेटा उठो, आबे उठो बेटा, स्कूल जाना है ना, उठो आरना, उठो बेटा, मैं दूध लेके आ रही हूँ ना। मम्मा पहले फोन दो, फोन देख, फोन दो बेटा। सुबह सुबह कौन मोबाइल देखता है? पहले फोन दो बेटा, ये कौन सा रूल है? मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, अभी तो उठे हो। चलो ठीक है, अभी देखती हूँ मैं, दूध बना के लाती हूँ, 2 मिनट रुको। लो बच्चों, मोबाइल दो, मोबाइल खोलो, मोबाइल खोलो। आपने बोला था आप दोगे तो दो अभी। बेटा सुबह सुबह कौन मोबाइल देखता है? आपने बोला था। बेटा हमारे टाइम में तो कोई मोबाइल भी नहीं होता था, हम तो फिर भी ऐसे दूध पी लेते थे। बेटा अभी कौन मोबाइल देखता है सुबह सुबह? चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी, अभी ऐसे ही पी लो। नहीं, फोन में स्टोरी सुनेंगे। बेटा क्या हो गया तुम्हें ऐसे? प्लीज कॉल, चलो ठीक है, पकड़ो। पीने के बाद हम लोग पक्का बंद कर देंगे। क्या हो गया इनको, क्या करूं यार, मोबाइल में लगे रहते हैं। इनके पापा को देखो तो वो भी मोबाइल में और ये भी मोबाइल में। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देख आना, मेरी बात नहीं सुन रही ना, आगे पछताएगी, देख आगे खराब हो जाएगी, बिल्कुल चश्मा लग जाएगा पापा की जैसे। तो पापा ने टैबलेट, फोन, टीवी एक साथ ही देखते थे। तो बेटा पापा देख रहे तो तुम भी देखोगे क्या? तुमकी तो आगे खराब हो ही गई, तुम्हारी भी हो जाएगी। आना मम्मा की बात भी नहीं मान रहे तुम। अरे आना अब स्कूल नहीं जाना क्या तुम्हें? स्कूल को छोड़ो मम्मी, अभी हमारा बहुत अर्जेंट गेम चल रहा है। तुम बहुत लेट हो जाओगे, बस निकल जाएगी आज तुम्हारी। छोड़ो बस को पैदल चलेंगे। कैसे बोल रही हो, पैदल कौन लेके जाएगा? फोन देखना जरूरी इतना। अरे मम्मी बहुत तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मारना यार, अभी हाथ से छूटने वाला वो। मुझे दो फोन, मुझे दो, अभी इधर दो फोन। तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं। कैसी बातें कर रही, इधर दो। आना लेट हो जाएगी, देख मैं बोल रही हूँ तेरे को। ठीक है अभी तो सुनो। कल पता है, सुन रहे हो क्या? अरे यार बोलो ना। बात तो सुन लो, फोन में लगे हो यार। अरे मैं सुन रहा हूँ आपके पास, बोलो तो। इस फोन को रखोगे थोड़ी देर साइड में? अरे तो बोलो ना, आप क्या बोल रहे हो? मेरी बात तो आप सुनते नहीं हो, फोन में लगे रहते हो। अरे आपको मेरी बात सुनाने से मतलब है या फोन से प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप मेरी बात ढंग से नहीं सुनते, आप फोन में लगे रहते हो, दीवार से बात कर रहे हैं। क्या करें यार, पता नहीं आज की दुनिया को ही क्या हो गया, फोन में लगे रहते हैं सबके सब, आके फोड़ के रहेंगे। Mommy!
ना लो रे बेटा। ना मैं ना मेरी नहीं। कार्ड खुल गया था जब भी बहुत आंसू आ रहे थे। तो बेटा ये मोबाइल देखने से हुआ है तुम्हारे? अभी रुक जाओ पापा को फोन करती हूँ। बैठो यहाँ पे, यहाँ बैठो। इस फोन को तो दो, फोन दो अभी। यहाँ बैठो, बैठो, बैठो। रुको, ये पापा को फोन करती हूँ। हेलो, हाँ सुनो, मैं बच्चों को लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ यार। इन दोनों की आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, रो रही है दोनों। मम्मी ठीक है ना, मैं लेके जाती हूँ इनको जल्दी। मम्मा जल्दी चलो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। चलो चलो चलो, आप भी चलो। चलो नेक्स्ट पेशेंट। डॉक्टर साहब, नमस्ते। डॉक्टर साहब नमस्ते। ये डॉक्टर साहब इनको देखो ना, मेरे बच्चों को, दोनों की आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। दोनों बच्चों की आंखों में? हाँ। जब कर रहा था मोबाइल की, हमने मोबाइल खोला देखा और हमारे एकदम से आके जलन में हो। तो बच्चों इतना मोबाइल नहीं देखना चाहिए ना। डॉक्टर साहब आप इनको समझाओ, खाना भी जब खाएगी तब फोन दूंगी मैं इनको। चलो आंखें दिखाओ। पानी गिरता है इसमें से? हाँ। अभी भी मोबाइल देख रहे हो कंटिन्यूअस? आज सुबह लिया था, फिर उसके बाद एकदम से जलन जल्दी स्टार्ट हो गई। देखिए मैडम, आपके बच्चे, इस बच्चे की आँख ज्यादा मोबाइल देखने की वजह से डैमेज हो चुकी है। इसकी अंदर की जो नर्व है वो कंप्रेस्ड हो चुकी है। अब हमें इसकी आँख की सर्जरी करनी पड़ेगी। ज्यादा मोबाइल देखने से इस बच्चे की आंख की सर्जरी करनी पड़ेगी। अब मैं इस बच्चे का चेक कर लेता हूँ। आप दिन में कितने घंटे मोबाइल देखते हो? चार से पांच घंटे मोबाइल देखते हो? देख लो बच्चे, चार से पांच घंटे मोबाइल देखने की वजह से आपकी आईज की नर्व जो है वो पूरी डैमेज हो चुकी है। उसकी वजह से आपकी हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। और कोई उपाय नहीं है? और कोई उपाय नहीं है मैडम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंप्रेस होने की वजह से आंख पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और आज अगर ये सर्जरी नहीं कराओगे तो हो सकता है आने वाले दो तीन चार साल में ये अपनी आंख खो दे। हाँ तो बेटा आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। आप बाहर मेरे असिस्टेंट बैठा है, उससे मिल लीजिए, वो आपको सर्जरी का पैकेज बता देगा। सर्जरी कब प्लान करनी है आप अपने हिसाब से डिसाइड करके मेरे पीएस का नंबर ले लीजिए। ठीक हो जाएगी डॉक्टर साहब? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर उसने मोबाइल देखा तो इसकी आँख पूरी तरह से खराब हो जाएगी। अब इसको चेक कर लेते हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। आप भी मोबाइल देखते हो? कितना मोबाइल देखते हो? देखिए मैडम, अभी इसकी आईज इतनी डैमेज नहीं हुई है। इसके तो आप मतलब ग्लास लगवा लो, इसके लिए नंबर आया है इसकी आंखों में, तो आप नंबर का चश्मा बनवा लो इसको। इस बच्चे के आपके नंबर के चश्मे से काम हो जाएगा और इस बच्चे के आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो बच्चों ज्यादा मोबाइल देखोगे तो आपको खुद को नुकसान होगा बहुत ज्यादा। कल से मोबाइल नहीं देखोगे तो आपकी आईज बच जाएगी। आपको अभी नजर का चश्मा लगा है आई का, तो अभी आप बोलो डॉक्टर अंकल प्लीज मुझे ठीक कर दो, हम कल से नहीं देखेंगे, प्रॉमिस प्रॉमिस। डॉक्टर अंकल मेरे को सर्जरी से बचा लो प्लीज। तो बेटा आप लोगों ने मोबाइल बहुत देखा है ना, मोबाइल देखने की वजह से आप लोग। डॉक्टर अंकल मैंने कल से नहीं देखूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस। चलो मैं कुछ करता हूँ, आप लोगों को सर्जरी से बचाता हूँ, आपको उससे बचाता हूँ, ठीक है? मैं जितनी कोशिश होगी मेरे से मैं पूरी करूंगा। ठीक है, आपको मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना है। आजकल के बच्चे मोबाइल देख, आप जैसे पेशेंट दिन में मेरे पास 10 आते हैं, सबकी आईज डैमेज हो चुकी है बच्चों की, मोबाइल देख के मोबाइल देख के मोबाइल देख के। माँ बाप भी आजकल ऐसे ही हो गए हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। अब मोबाइल देखना भी नहीं है, अगर आपने मोबाइल देखा ना तो पूरी आईज आपकी दोनों डैमेज हो जाएंगी। रेड हो जाएगी। अब मोबाइल ही देखना, मुझे तो अभी भी बहुत धुंधला दिख रहा है। डेली आपको आपकी आईज रेड। सुनो बड़ी टेंशन हो गई। क्या हो गया? पता है डॉक्टर ने क्या बोला है? क्या बोला? आर्णव के लिए तो सर्जरी बता दी, आंखों की सर्जरी होगी।
आरना की आंख की सर्जरी होगी। हाँ, और आव्या की चश्मा लगेगा। उन्होंने बोला कि आरना की अगर सर्जरी नहीं कराई तो इसकी ब्लाइंड हो जाएगी। चलते फिर आगे नहीं टेंशन। पापा, अब बच्चों को अगर मोबाइल दिया ना आपने तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा और मैं भी अब मोबाइल नहीं देखूंगा। वही है, सबसे पहले आपको सुधरना पड़ेगा। पापा, मैं प्रॉमिस नहीं देखूंगी। अब नहीं देखोगे आप मोबाइल? गुड गर्ल, आप बिल्कुल मोबाइल मत देखना, ठीक है? अच्छे बच्चे बन जाओ आप। अब यह वादा करो कि घर भी सब फोन लेके नहीं देखेंगे। कोई भी मोबाइल नहीं देखेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, ठीक है? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें अच्छे अच्छे आइडियाज और जितना हो सके मोबाइल नहीं देखें, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, मस्ती करें, मौज करें। तो जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।